आज के समय में अगर हम NFTs का मार्केट कैप देखते हैं तो 5 बिलियन से लेकर करीब 6 बिलियन तक है, और इसका जो मार्केट कैप है लगातार बढ़ता जा रहा है। इतिहास गवाह है कि अगर हम क्रिप्टो पंक्स की बात करें या फिर बोर्ड एप की बात करें, म्यूटेंट एप की बात करें, ऐसे काफी सारे NFTs आए हैं जिनकी वैल्यू हजारों इथेरियम्स में रही है, और ये समय के साथ वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती गई है। सबसे ज्यादा बेनिफिशियल ये उन्हीं के लिए रहा है जिन्होंने NFTs को स्टार्टिंग में ही, बिल्कुल बिगनिंग में ही अक्वायर कर लिया था और अपने पास उन्होंने रखा, और वही NFTs आज उनको इतनी बड़ी वैल्यू दे रहे हैं। तो ये ऑब्वियसली बात है कि जब भी मार्केट में NFT के मिस्ट्री बॉक्स अवेलेबल होते हैं, अगर आप उनको एक कम वैल्यू में अक्वायर कर लेते हैं, तो आने वाले समय वही मिस्ट्री बॉक्स से जो NFT निकलने वाला है, वही NFT आपको हजारों डॉलर, लाखों डॉलर की वैल्यू दे सकता है। तो बिल्कुल ऐसे ही आज आपको हम बताने जा रहे हैं स्टार मैक्स के बारे में, जिनके NFTs $50 से शुरू हो रहे हैं और ये करीब $20,000 तक के हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ $50 वाला भी NFT अक्वायर करते हैं तो यहाँ पे जो एवोल्यूशन होता है, एवोल्यूशन के बेसिस पर आपको रेगुलर बेसिस पर एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, स्टार मैक्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि पावर्ड बाय स्टारवर्क्स। तो एक स्टारवर्क्स का बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, उसी का एक प्रोजेक्ट है स्टारवर्क्स ग्लोबल। एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि अपना इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, जिसमें ग्लोबल टूरिज्म, एंटरटेनमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को भी धीरे धीरे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा हेल्प किया जा रहा है, ताकि इसको और भी एक बड़े लेवल तक लेकर जाया जाए। और यही कारण है कि स्टार मैक्स अपने खुद के काफी सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लेकर आए जो कि डिजिटली हैं। तो यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ साथ VR यानी कि वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसी के साथ बिग डाटा टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट किया गया है, जिसे एक बहुत ही प्रॉफिटेबल मेटावर्स एनवायरनमेंट बन गया है। डिजिटल एसेट इकोसिस्टम की बात करें तो इसमें प्रोटोकॉल्स एंड फाउंडेशंस आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, वेब 3 एंड मेटावर्स जो कि आज हम बात करने वाले हैं, या फिर ओरिजिन ऑफ फंड्स जो कि अलग अलग सोर्सेज से आते हैं। स्टारमैक्स एक खुद वेब3 बेस्ड NFT प्लेटफॉर्म है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेवरेज करता है, जिससे और भी ज्यादा सिक्योर प्लेटफॉर्म बनता है और जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो सारी की सारी ट्रांसपेरेंट रहती हैं, यानी कि आप NFTs को खुद भी ट्रैक कर सकते हैं। और ये 2023 में ही फाउंड किया गया है और ये रिवोल्यूशनाइज कर रहा है डिजिटल ओनरशिप एंड एम्पावर कर रहा है क्रिएटर्स को, कलेक्टर्स को, इन्वेस्टर्स को, यानी कि अगर आप खुद क्रिएटर हैं तब भी आपके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अर्निंग्स कर सकते हैं। तो NFTs तो मार्केट में ऑलरेडी काफी सारे हैं, लेकिन उनमें आपको कभी भी एक ऐसी पोटेंशियल नहीं मिलती कि आप उसी NFT को यूज करके अर्निंग्स कर पाएं और जब चाहे तब अपने NFTs को बाय या सेल कर पाएं। और ये सब तभी पॉसिबल होता है जब भी मार्केट प्लेस बहुत बड़ी हो। तो स्टारमैक्स के जो NFTs की मार्केट प्लेस है वो बहुत बड़ी है। अक्वायर करने में आपको हो सकता है कि समय लग जाए, लेकिन आपका अक्वायर किया हुआ NFT, क्योंकि वो धीरे धीरे इवॉल्व होता रहता है, इवॉल्व होने की वजह से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका जो NFT है वो बाय करने के लिए ऑलरेडी काफी सारे NFT कलेक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। इसी के साथ स्टारमैक्स अपना खुद का स्टारएम टोकन भी लेकर आया है, जिसकी सप्लाई 100 मिलियन स्टारएम की है। इसी 100 मिलियन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पब्लिक सेल के लिए 40% है, टीम एंड एडवाइजर्स के लिए 20%, डेवलपमेंट फंड के लिए 15%, मार्केटिंग एंड पार्टनरशिप्स के लिए 10%, रिजर्व फंड के लिए 10% और एयरड्रॉप के लिए 5% अलग से भी रखा गया है। तो यहाँ पे जो एयरड्रॉप है ये भी हो सकता है आने वाले समय में बहुत ही जल्द शुरू किया जाए, जिससे आप अपना एयरड्रॉप कलेक्ट कर सकते हैं स्टारएम टोकन का। और जो भी लोग स्टारएम टोकन को होल्ड करने वाले हैं उनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिलने वाले हैं, जिसके बेसिस पर आप काफी सारी नई चीजें स्टारमैक्स की एडवांस में ही एक्सेस कर पाएंगे और इसी के ऊपर एक एक्स्ट्रा आपको अर्निंग मिल पाएगी, यानी कि आप एक एज ए एम्बेसडर स्टारमैक्स के साथ काम भी कर पाएंगे। तो बहुत ही यूनिक आपका एक्सपीरियंस होने वाला है अगर आप कलेक्टर हैं या फिर एक इन्वेस्टर हैं NFTs में, जिसमें आप बहुत ही इजीली अक्वायर कर सकते हैं और उसी NFT को आप रेंट करने के साथ साथ अर्निंग्स भी कर सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पे पूरी ट्रांसपेरेंसी मिलने वाली है आपके खुद के NFTs की, ताकि अगर आपके पास ओनरशिप है तो आपके पास पूरे राइट्स भी हों अपने ही NFTs के। तो करंटली जो स्टारमैक्स काम कर रहे हैं ये आर्ट एंड क्रिएटिव्स के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि अलग अलग आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए। इसी के साथ गेमिंग एंड वर्चुअल रियल एस्टेट। गेमिंग एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, तो इस वक्त गेमिंग में काफ़ी सारी नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो गेमिंग इंडस्ट्री में NFTs का इंटीग्रेशन बहुत लंबे समय से ऑलरेडी चलता आ रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें वर्चुअल रियल एस्टेट की, तो रियल एस्टेट में अब धीरे धीरे क्या कि आपकी लैंड अक्वायरिंग सिर्फ पेपर्स के द्वारा नहीं बल्कि NFTs के द्वारा भी हो पाएगी, जिसको आप एक अच्छे प्राइस पे कभी भी सेल भी कर सकते हैं। और यही सब कुछ आपको एक्सेस स्टारमैक्स के द्वारा मिलने वाला है। लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ गेमिंग एंड वर्चुअल रियल एस्टेट तक नहीं है, बल्कि इसी के साथ फैशन एंड कलेक्टिबल्स भी है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको फैशन इंडस्ट्री में भी somehow अर्निंग्स करने का एक मौका मिलता है। अगर आप खुद डिजाइनर हैं तो आप भी उसके ऊपर अर्निंग्स कर पाएंगे, या फिर अगर आप सिर्फ एक कलेक्टर हैं तो कलेक्ट करके भी आप अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं NFTs का और उसके ऊपर आप रेगुलर बेसिस पर अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होने वाली है NFTs की, तो उसके ऊपर आपको बहुत ही कम फी पे करनी पड़ेगी।
क्योंकि यहाँ पे स्टार नेटवर्क को इंटीग्रेट किया गया है, तो हो सकता है कि आपकी यहाँ पे बार बार कंटिन्यूस माइक्रो ट्रांजेक्शन हो रही हैं आपके NFTs के ऊपर, जिसकी वजह से क्या है कि आपका कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं कटने वाला। जैसे कि हम जानते हैं कि NFTs बहुत ही ज्यादा प्रीशियस होते हैं, जैसे कि जनरली हमारे पास ज्वेलरी होती है या फिर कोई भी प्रीशियस आइटम है, बिल्कुल वैसी NFT होता है। तो इसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर कोई फिजिकल आइटम है उसको हम घर पे कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन NFTs को डिजिटली रखा जा रहा है तो इसकी पूरी सिक्योरिटी रखी जाती है, ताकि आप कभी भी इनको खो ना दें, क्योंकि ये आपको हमेशा उम्र भर इनकम देने वाले हैं। और ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होता है, ये होता है ब्लॉकचेन से, जिसके ऊपर इम्यूटेबल ट्रांजेक्शन रहती है, यानी कि जो ट्रांजेक्शन है वो गारंटेड रहती है, एक ही बार में रिकॉर्ड होती है और कभी भी ऑल्टर नहीं करी जा सकती। ये टेम्पर प्रूफ ट्रांजेक्शन रहती है जिसके ऊपर फ्रॉडलेंट एक्टिविटी पॉसिबल ही नहीं है। इसी के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, अगर हम NFTs को acquire कर रहे हैं और वो भी ब्लॉकचेन के ऊपर, तो ये टोटली डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए और है भी। डिसेंट्रलाइज्ड कंसेंसस की वजह से, इस मैकेनिज्म की वजह से क्या है कि कभी भी यहाँ पे फेलियर नहीं होता किसी भी पॉइंट पर। तो ब्लॉकचेन में हमेशा काफी सारे डिफरेंट नोड्स होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जिसकी वजह से कभी भी यहाँ पे सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। तो आज हम जो बात कर रहे हैं NFTs की, या फिर जो भी हम डिटेल में जा रहे हैं, शायद ये काफी नहीं है, लेकिन स्टार मैक्स इसके ऊपर खास ध्यान दे रहे हैं ताकि आपको एजुकेट किया जाए NFTs को लेकर, मेटावर्स के लेकर, या फिर जो भी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन, ताकि आप खुद भी समझ पाए कि यहाँ पे एक्स्ट्रा लेयर ऑफ जो प्रोटेक्शन दी गई है या फिर जो भी सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किए गए हैं स्टार मैक्स के द्वारा, उसकी आपको पूरी क्लैरिटी रहे। स्टार मैक्स का यहाँ पे जो मेन मकसद है वो है इल्यूमिनेटिंग द मेटावर्स, अनलीशिंग ड्रीम लाइक NFT एडवेंचर्स। यानी कि स्टार मैक्स बहुत ही यूनिक NFTs के ऊपर काम कर रहा है, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कॉस्मिक क्रिएटिव कोलैबोरेशंस, जिससे आप बहुत ही इजीली रेनाउंड आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड क्रिएटर्स के साथ जुड़ सकते हैं अक्रॉस द गैलेक्सी। तो बात यहाँ पे सिर्फ हमारी पृथ्वी तक नहीं है, बल्कि इससे भी आगे पूरी गैलेक्सी तक हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इसी मेटावर्स के द्वारा। वो समय बहुत ज्यादा दूर नहीं है जब हम वर्चुअल लैंड्स को या फिर रियल एस्टेट्स को एक्वायर कर पाएंगे NFTs के द्वारा, और ये सब कुछ शुरुआत की जा रही है स्टार मैक्स के द्वारा, और ये सब कुछ मेटावर्स में ही होने वाला है। यानी कि आपको फिजिकली कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, जिसमें आप अपने ड्रीम होम्स फ्यूचरिस्टिक सिटीज में ले सकते हैं और आपको एक्सेस मिलता है एक्सक्लूसिव लैंड्स का। इसी के साथ स्टार मैक्स एस्ट्रोनॉमिकल गेमिंग वेंचर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो स्टार मैक्स के अगर आप NFTs अक्वायर करते हैं तो इससे आपको गेमिंग एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। काफी सारे लैंडस्केप्स हैं, एपिक क्वेस्ट होने वाले हैं, काफी सारे अलायंसेस होने वाले हैं जो इंटरस्टेलर के साथ रहेंगे। यही NFTs आपको गेमिंग में स्पेशल पावर्स, यूनिक एवेटार्स और लेजेंडरी आर्टिफैक्ट्स देने वाले हैं, ताकि आपका जो एक्सपीरियंस है गेमिंग में और वो और भी ज्यादा एक्सक्लूसिव रहे। सेलेस्टियल एजुकेशन एंड लर्निंग, यानी कि स्टारमैक्स NFTs से आपको एक और एक्सेस मिलता है, जिससे आप फ्यूचरिस्टिक एजुकेशनल प्रोग्राम्स में हिस्सा ले पाएंगे और यहाँ पे आपको ब्रिलियंट माइंड्स एंड AI पावर्ड मेंटर्स के द्वारा एजुकेट किया जाएगा। तो आप एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाएंगे कॉस्मिक इंटेलेक्चुअल इलाइट के, और यही एजुकेशनल एंडेवर्स आपको कॉस्मिक रिवॉर्ड्स भी देने वाला है। इंटरस्टेलर फाइनेंशियल वेंचर्स की अभी हम बात करेंगे, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल हाइट्स तक जाने वाला है। तो यहाँ पे आपको कॉस्मिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जो कि टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है और यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है। आप अपने सेलेस्टियल रिवॉर्ड्स ले सकते हैं अपने ही NFTs के ऊपर, और यही NFTs आपको एक्सेस दिलाने वाले हैं टोकनाइज्ड एसेट्स की, जिससे आप और भी ज्यादा कॉस्मिक वेल्थ में ग्रो कर पाएंगे। जैसे कि आज का समय VR का है, यानी कि अगर आपके पास VR है तो आप उसी के द्वारा सोशल कनेक्शन बना पाएंगे। स्टारमैक्स NFTs से आपको बहुत ही एक्सक्लूसिव सेलेस्टियल गैदरिंग्स मिलेंगी, कॉस्मिक पार्टीज आपको मिलेंगी, काफी सारे वर्चुअल सोशल इवेंट्स होने वाले हैं जो कि होस्ट किए जाएंगे मेटावर्स ल्यूमिनरीज के द्वारा। तो आप पूरी दुनिया के नहीं बल्कि गैलेक्सी के अलग अलग लोगों के साथ मिल पाएंगे। यहाँ पे लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स के ऊपर भी आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। तो स्पेस एंड टाइम को हम एक्सप्लोर कर पाएंगे इसी स्टार मैक्स के द्वारा। अभी हम रोड मैप की बात करेंगे स्टार मैक्स की। अगर हम Q3 2023 की बात करें तो प्लेटफॉर्म लॉन्च होने वाला है, यानी कि ऑलमोस्ट लॉन्च हो चुका है। NFTs के जो कलेक्शंस हैं वो रिलीज किए जाएंगे। कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। Q4 2024 की बात करें, यानी कि आने वाले 3 महीनों के अंदर क्रिएटिव कोलैबोरेशंस होने वाली हैं, वर्चुअल रियल एस्टेट एक्सपेंशन किए जाएंगे, गेमिंग इंटीग्रेशन भी किया जाएगा। 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में एजुकेशनल प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इंटीग्रेशन और इसी के साथ पार्टनरशिप्स डेब्यू होने वाले हैं। Q2 2024 में सोशल इवेंट्स होंगे और गैदरिंग्स होंगी, क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी एक्सप्लोर करी जाएगी स्टार मैक्स की
खुद के नेटवर्क के ऊपर एनहैंस सिक्योरिटी मेजर्स किए जाएंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें क्वार्टर 3 2024 की, तो AI ड्रिवन एक्सपीरियंसेस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, कॉस्मिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी और गवर्नेंस इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। 2024 के लास्ट क्वार्टर में NFT यूटिलिटी एनहेंसमेंट्स होंगी, ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान्स काफी सारे बनाए गए हैं, मेटावर्स पार्टनरशिप्स होंगी, यानी कि अलग अलग मेटावर्स बेस्ड जो भी प्लेटफॉर्म्स होंगे उनके साथ पार्टनरशिप शुरू हो जाएगी स्टारमैक्स की। क्वार्टर फर्स्ट 2025 में वर्चुअल रियलिटी इंटीग्रेशन किया जाएगा, कॉस्मिक आर्टिस्टिक शोकेसेस और मास अडॉप्शन कैंपेन्स शुरू किए जाएंगे। क्वार्टर 2025 में कॉस्मिक एजुकेशन इनिशिएटिव्स ले जाएंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के ऊपर भी काम किया जाएगा, स्टेकिंग एंड रिवॉर्ड्स को और भी ज्यादा अपग्रेड किया जाएगा जो कि आज से शुरू होने वाला है। क्वार्टर 3 2025 में काफी सारे माइलस्टोन्स जो अचीव होंगे उनकी सेलिब्रेशन शुरू होगी, कॉस्मिक कम्युनिटी को एम्पावर किया जाएगा और फ्यूचर विजन अनवील किया जाएगा जो कि इसके बाद क्या होने वाला है 2025 के साल के बाद। अब हम जानते हैं कि आप कैसे इन्हीं NFTs के द्वारा अर्न कर सकते हैं, इसमें कैसे आप इवॉल्व इमर्सिव एंड कॉस्मिक फेसेस के द्वारा सेम NFT आपको कैसे अर्निंग देने वाला है। तो यहाँ पे चार तरह के NFTs होते हैं, जैसे कि ये रेयर NFT, एपिक NFT, लेजेंडरी और जेनेसिस। सबसे पहला है रेयर NFT, तो ये इवॉल्व होता है 1 से लेकर 10 दिन के अंदर, जो आपको 0.25% डेली का रिवॉर्ड देता है। 10 दिन के बाद ये इमर्सिव फेज में चला जाता है सेम NFT, तो ये आपको 11वें दिन से लेकर 30वें दिन तक 0.5% डेली देता है। तो ये धीरे धीरे इवॉल्व होता रहता है, फिर ये कॉस्मिक स्टेज में पहुंच जाता है 31st डे ऑनवर्ड्स। इसके बाद आपको डेली 1% मिलता है इसी NFT के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि NFT एक बिल्कुल जीव की तरह होता है जो कि धीरे धीरे ग्रो होता रहता है और ग्रो होने के साथ साथ आपको रिवॉर्ड भी देता है। तो यहाँ पे रेयर NFT की हम बात करें, जिसकी जो एक्टिविटी कैप है वो 2.5x है और 2x एग्रीगेट है, यानी कि 2 गुना तक आपको इसके ऊपर अर्निंग मिल सकती है। तो ये होता है $50 से शुरू और $199 तक है, जिसको आप कभी भी मिंट कर सकते हैं। मिंट करते ही आपको यहाँ पे रिवॉर्ड्स मिलने शुरू जाते हैं। अगला है एपिक NFT, तो इसको आप मिंट कर सकते हैं $200 से लेकर $999 तक। तो यहाँ पे जो पहले 10 दिन है इवॉल्विंग फेज में आपको 0.5% मिलते हैं, इमर्सिव फेज में 0.75% और कॉस्मिक फेज में, यानी कि जब ये अनलिमिटेड आपको मिलना शुरू हो जाता है, 31वें दिन से लेकर 1% आपको डेली मिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे 2.5x एक्टिविटी कैप रहता है और 2.5x एग्रीगेट कैप रहता है। नेक्स्ट है लेजेंडरी NFT, तो ये जो डिजिटल कलेक्टिबल है, तो यहाँ पे आपको 1% पहले दिन से मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये लेजेंडरी NFT है। इसको मिंट आप कर सकते हैं $1000 से लेकर $4999 तक। इमर्सिव फेज में आप 11वें दिन से लेकर 30वें दिन तक 1.25% अर्न कर सकते हैं और कॉस्मिक फेज में आपको 1.5% मिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे एग्रीगेट 3x तक रखा गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा है, और एक्टिविटी कैप 2x है। आखिरी और सबसे बड़ा जो NFT है, यह $5000 से शुरू होता है और $20000 तक है। जैसे ही आप इसको मिंट करेंगे, आपको यहाँ पे इवॉल्विंग फेज में 1.5% मिलना शुरू होता है 11वें दिन से लेकर 30वें दिन, यानी कि पूरी इमर्सिव स्टेज में आपको 1.75% मिलता है और कॉस्मिक स्टेज शुरू होते ही आपको यहाँ पे 2% डेली रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपको 3.5x एग्रीगेट मिलता है और 2x की एक्टिविटी कैप है। तो ये ऐसे NFTs हैं जिनको आप कभी भी एक्वायर कर सकते हैं और मार्केट प्लेस के आने से आप इसको कभी भी सेल ऑफ भी कर सकते हैं मार्केट में। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको इनवाइट बोनस भी दिया जाता है इन्हीं NFTs के ऊपर, यानी कि अगर आप किसी को भी NFTs रेफर करते हैं तो आपको इनवाइट बोनस मिलेगा। अगर रेयर कलेक्शन है तो इसके ऊपर आपको 5% मिलता है, एपिक कलेक्शन के ऊपर 10%, लेजेंडरी कलेक्शन के ऊपर 15% और जेनेसिस कलेक्शन के ऊपर आपको 20% मिलता है, यानी कि अलग अलग NFTs के ऊपर अलग अलग इनवाइट बोनस डिसाइडेड है। तो ये कलेक्शन की कैटेगरी के बेसिस पर ही काम करता है, जो भी कलेक्शन होगा उसी के बेसिस पर आपको 5 से लेकर 20% इनवाइट बोनस मिलेगा। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको लीनियर ग्रेच्युटी मिलती है, जो कि डिपेंड करती है आपके लाइन के ऊपर और आपको एक्सेस कौन सा मिला है। जैसे कि प्राइमरी तो आपको 20% मिलता है, जो हमने अभी डिस्कस किया, तो ये आपको बिल्कुल ओपन एक्सेस मिलता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको एक्सेस करने के लिए पोर्टफोलियो को बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम लाइन 2 की बात करें तो आपको 15% मिलना शुरू हो जाता है, जो कि $2500 पोर्टफोलियो होने पर। अगर आपका ये पोर्टफोलियो इतना पहुंच जाता है तब आपको लाइन 2 से मिलेगा, जो है 15%। $5000 का पोर्टफोलियो अगर आपका हो जाएगा तो आपका लाइन 3 अनलॉक हो जाएगा, तो आपको 10% मिलना शुरू हो जाएगा। $10000 के पोर्टफोलियो होने पर आपको यहाँ पे लाइन 4 से 5% मिलना शुरू हो जाएगा। लाइन 5 से लाइन 10 तक आपको 1% लीनियर ग्रेच्युटी मिलती है। तो यहाँ पे कोई भी बैरियर नहीं है, यानी कि आपका पोर्टफोलियो $10000 जब हो गया, उसके बाद आपको कुछ भी अचीव नहीं करना है, ये आपको पूरे के पूरे 10 लाइन से 1% मिलता रहेगा। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें, तो पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि आपका जो भी टोटल कलेक्शन बनता है आपके सभी रेफरल्स का, या फिर जो भी आपके साथ आए हैं आपके रेफर करने पर जिन्होंने NFT को एक्वायर किया है,
तो इससे आपको यहाँ पे एक्सेस मिल जाता है 10 लाइन से एक्स्ट्रा अर्न करने का। अब हम बात करेंगे StarMax NFT इंडेक्स के बारे में, यानी कि यहाँ पे एक इंडेक्स बनाया गया, उसी इंडेक्स के TVL को अगर आप अचीव कर लेते हैं, यानी कि टोटल वॉल्यूम लॉक्ड अगर आपका हो जाता है इतना, तो उसके बेसिस पर आपको डेली बोनस भी मिलता है। सबसे पहला जो इंडेक्स है ये है अल्ट्रा रेयर इंडेक्स। तो यहाँ पे फर्स्ट पूल है जो कि रेयर पूल है, अगर आपका $3500 का इंडेक्स TVL रीच हो जाता है तो आपको $15 बोनस डेली मिलेगा। $7000 का अगर आपका इंडेक्स TVL पहुंच जाता है तो आप एपिक पूल में एंटर कर जाएंगे जो कि सेकंड पूल है, तो यहाँ पे आपको $30 बोनस डेली मिलेगा। $9000 के TVL पर आप लेजेंडरी इंडेक्स में पहुंच जाएंगे जो है थर्ड पूल, तो यहाँ पे आपको $40 बोनस डेली मिलेगा। $15000 का इंडेक्स TVL कंप्लीट होने पर आप जेनेसिस में पहुंच जाएंगे जो है फोर्थ पूल, तो यहाँ पे आपको $70 मिलेगा जो आपको डेली मिलने वाला है। तो ये था अल्ट्रा रेयर इंडेक्स। इसी के साथ अगला है अल्ट्रा एपिक इंडेक्स। तो अगर आप इतने बड़े NFT होल्डर बन जाते हैं तो आप अल्ट्रा एपिक इंडेक्स में भी एंटर कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप अपने रेफरल्स के ऊपर भी काम कर रहे हो। अगर आपके दो डायरेक्ट रेफरल्स अल्ट्रा रेयर इंडेक्स अचीव कर लेते हैं तो आपको $150 बोनस डेली मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम काम कर रहे हैं सिर्फ पोर्टफोलियो के ऊपर और टोटल वैल्यू लॉक्ड के ऊपर। तो इससे क्या है कि आपका जितना पोर्टफोलियो स्ट्रांग होता जाएगा या फिर आपकी जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है, अगर वो इंडेक्स जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा तो आपका रिवॉर्ड भी बढ़ता रहता है, क्योंकि वहीं पे NFTs काफी ज्यादा हो जाते हैं, वही NFTs इवॉल्व होते हैं और इवॉल्व होकर आपको एक्स्ट्रा अर्निंग्स देते हैं। सिमिलरली अगर आपकी टीम में दो अल्ट्रा एपिक्स हो जाते हैं तो आप अल्ट्रा लेजेंड इंडेक्स में $300 बोनस डेली अर्न करना शुरू कर देते हैं। और वही अगर आपकी टीम में किसी भी दो डायरेक्ट्स का पोर्टफोलियो अल्ट्रा लेजेंडरी तक पहुंच जाता है तो आपको $600 बोनस डेली मिलना शुरू हो जाता है, जिसको हम अल्ट्रा जेनेसिस बोलते हैं, यानी कि आप अल्ट्रा जेनेसिस के द्वारा यहाँ पे अर्निंग करते हैं। ये जो जर्नी है ये फाउंडर्स इंडेक्स तक पहुँचती है अगर आपके दो डायरेक्ट अल्ट्रा जेनेसिस बन जाते हैं। अगर उन्होंने ये रैंक अक्वायर कर लिया तो आपको $1200 बोनस डेली मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि आप यहाँ पे फाउंडर बन जाते हैं फाउंडर्स इंडेक्स में आकर। StarMax का इसी के साथ लॉयल्टी प्रोग्राम भी है, जो कि डिपेंड करेगा आपके ग्रेड के ऊपर और ग्रेड आपका डिपेंड करेगा आपके TVL के ऊपर। अगर आपका टीम TVL $10,000 तक पहुंचता है, यानी कि आपके पोर्टफोलियो में या फिर आपकी पूरी टीम में अगर $10,000 के NFTs होल्ड हैं, तो आपका फर्स्ट ग्रेड हो जाएगा, जिससे आपको $50 का एयरड्रॉप मिलने वाला है। तो लॉयल्टी प्रोग्राम में खासकर एयरड्रॉप उन्हीं को दिया जाता है जिनका TVL ग्रो करता रहता है। तो यहाँ पे टोटल 12 ग्रेड दिए गए। अगर हम दूसरी ग्रेड की बात करें तो $20,000 का टीम TVL पर आपको $100 का एयरड्रॉप मिलेगा। इसी तरीके से जैसे ही आपका TVL बढ़ता चला जाएगा, आपका एयरड्रॉप भी बढ़ेगा। अगर हम 12वें ग्रेड की बात करें तो यहाँ पे अगर आपका TVL $8 million तक पहुंच जाता है तो आपको $50,000 का एयरड्रॉप मिलने वाला है। तो जो भी TVL पिछले ग्रेड के लिए कैलकुलेट किया गया था वो अगले ग्रेड के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी कि नेक्स्ट ग्रेड के लिए आपका नेक्स्ट TVL होना चाहिए। और इसकी जो कैलकुलेशन होने वाली है, इसका जो रेशियो है 40% वेटेज आपके फर्स्ट लेग से होगा, जो कि सबसे बड़ी लेग होगी, और 30% वेटेज आपकी सेकंड बिग लेग से होने वाला है, और रिमेनिंग जो आपकी रिमेनिंग लेग्स होंगी उनमें से कैलकुलेट 30% किया जाएगा। तो इस तरीके से टोटली 100% हो जाता है। तो अगर आप लॉयल हैं, अगर आपकी टीम लॉयल है, अपनी टीम TVL के ऊपर काम कर रही है, तो आपको यहाँ पे एयरड्रॉप्स अवश्य रूप से मिलेंगे। इसी के साथ अगर हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पे एक्टिविटी कैप जो दिया गया है रेयर एंड एपिक के ऊपर है 2.5x और लेजेंडरी एंड जेनेसिस के ऊपर है 2x। तो अगर आप अपने NFTs को होल्ड करते हैं और उन्हीं से आप रिडीम करना चाहते हैं, रिडीम करने पर आपका 10% प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे रहेगा। रिडम्पशन के टाइम आप यहाँ पे $15 मिनिमम और मल्टीपल्स ऑफ $10 में मैक्सिमम आप रिडीम कर सकते हैं कभी भी। तो आज जुड़िए StarMax की इस सबसे बेहतरीन जर्नी के साथ, जो कि शुरुआत अभी हुई है, बिल्कुल नई शुरुआत हुई है। NFTs को अगर आप आज अक्वायर करते हो तो इनका जो इवॉल्विंग फेज है वो बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा। इवॉल्व होते होते आपको ये और भी ज़्यादा अर्निंग्स देने वाले हैं। यही NFTs आप आने वाले समय में बिल्कुल हाई प्राइस पे, हाईएस्ट प्राइस पे सेल भी कर पाओगे, क्योंकि NFT मार्केट प्लेस बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाला है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं www.starmax.io। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।